गौतम अडानी ने चीन और पाकिस्तान की नींद हराम करने वाला एक हथियार भारतीय नेवी के लिए तैयार कर दिया है। ये एक ड्रोन है जिसे भारतीय सेना के लिए तैयार किया गया है और फिलहाल एक ड्रोन इंडियन नेवी को सौंप भी दिया गया है। अब कैसे और कितना है ये खतरनाक, क्या दुश्मनों को इससे डरने की जरूरत है और किस काम आएगा ये ड्रोन, जानेंगे आज के इस वीडियो में। शुरुआत खबर से करते हैं। जानकारी के अनुसार अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजरायली फर्म एल्बिट के साथ मिलकर भारत के पहले मेड इन इंडिया दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन को तैयार कर दिया है। यह अपनी तरह का पहला भारत में निर्मित ड्रोन है जो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग ड्यूरेशन वाला यानी मेल ड्रोन है। इसका मतलब है कि ये आकाश में मीडियम हाइट पर काफी ज्यादा देर तक उड़ सकता है। आपको बता दें, इस ड्रोन को हैदराबाद में बनाया गया है और अब इसे भारतीय नेवी को सौंप दिया गया है। अब ये ड्रोन हैदराबाद से गुजरात के पोरबंदर के लिए उड़ान भरेगा। वहां इसकी तैनाती नौसेना के ऑपरेशंस के लिए की जाएगी। जाहिर तौर पर पाकिस्तान का दिन का चैन और रात की नींद अब उड़ जाएगी। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के सीईओ आशीष राजवंशी इस ड्रोन को लेकर क्या कह रहे हैं, पहले अब आप वो सुनिए। आज इंटेलिजेंस सर्वेलेंस के लिए जो काम आदमी करते थे नौसेना के, वो ये मशीन कर सकती है। 10 किलोमीटर की ऊंचाई से 450 किलो का पेलोड लेके, इलेक्ट्रो ऑप्टिक पेलोड, कॉमेंट पेलोड, एलेंट पेलोड, इट कैन प्रोवाइड रियल टाइम फीड टू इंडियन नेवी। तो आज आपको 450 किलो का पेलोड चाहिए, आपको 36 घंटे का एंड्योरेंस चाहिए, आपको 10 किलोमीटर की हाइट से पूरा निगरानी करना है और विद इन 45 मिनट्स यू कैन लैंड एंड अगेन टेक ऑफ दिस बर्ड इन केस यू हैव टू चेंज द इंजन और चेंज द पेलोड। सो फ्रॉम अ मॉडल ऑफ द बर्ड ऑल्सो पर्सपेक्टिव, इट्स अ प्लग एंड प्ले जिसपे आप काम कर सकते हैं। क्या है इस ड्रोन की ताकत, चलिए अब आपको वो बताते हैं। जैसा कि आशीष राजवंशी ने बताया, ये ड्रोन एक बार में 36 घंटे के लिए उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन की क्षमता करीब 30,000 फीट तक उड़ने की है। ये बारिश समेत सभी तरह के मौसम में उड़ान भर सकता है और ये ड्रोन 450 किलो तक पेलोड ले जा सकता है। इतना ही नहीं, ये ड्रोन आकाश में ऐसी परिस्थिति में उड़ान भरने में सक्षम है जहां और भी कई विमान साथ में उड़ रहे हो। इस ड्रोन को विशेष रूप से खुफिया जानकारी जुटाने और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए गश्त लगाने जैसे कामों में लगाया जाएगा। 450 किलो तक पेलोड में हथियार भी भेजे जा सकते हैं। इस ड्रोन को नौसेना और थल सेना दोनों के उपयोग के लिए बनाया गया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान के लिए ड्रोन सिरदर्द बन सकता है। फिलहाल केवल 4 UAVs यानी इन ड्रोन्स के ऑर्डर सेना की ओर से कंपनी को दिए गए हैं, जिसमें 2 मेल ड्रोन्स नौसेना के लिए होंगे और 2 मेल ड्रोन्स थल सेना के लिए होंगे। ये डील आपातकालीन खरीद के तहत की गई है, जिसमें 4 30,000 फीट तक उड़ान क्षमता वाले ड्रोन का सौदा किया गया है और ये सौदा करीब 300 करोड़ रुपए का है। भले ही फिलहाल अडानी को ड्रोन के ऑर्डर्स की संख्या कम मिली हो, लेकिन स्टैटिस्टा के आंकड़े कहते हैं कि बाय द ईयर 2030 इंडियन ड्रोन मार्केट 2.5 ट्रिलियन रुपए की होगी। भारत अब तक ड्रोन तकनीक को दूसरे देशों से लेता आया है। भारतीय सेनाओं में शामिल ज्यादातर ड्रोन इजरायली कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में भारत में भी ड्रोन निर्माण में तेजी आई है और कई कंपनियां इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के लिए भी एक अच्छा मौका होगा।